हाथरस की घटना अभी शांत नहीं हुई। उसके बाद एक घटना और सामने आई। बताया जा रहा कि चित्रकूट में एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। सरैया कहमा पूर्वा चित्रकूट का मामला है, जहां एक बच्ची 14 वर्ष की सोच के लिए गई। घात लगाए बैठे हुए किशन उपाध्याय, वह पुत्र श्रीवास्तव उपाध्याय और उसके सहयोगी दो साथी लड़की को गाड़ी में बांधकर जबरदस्ती बैठा कर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। चित्रकूट का यह मामला है, वह चित्रकूट जहां पर रामायण में दर्शाया गया कि चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, राम को सबरी अपने झूठे बेर खिलाती है, ये वह चित्रकूट है। और आज राम राज्य की बात करते। घटना के बाद आरोपियों ने लड़की को हाथ पैर बांधकर नर्सरी में फेंक दिया। जब लड़की की माँ घर आई तो अपनी लड़की को ढूंढने लगी। पता लगने पर नर्सरी पहुंची तो उसकी लड़की बंदी हुई बेहोश हालत में पड़ी मिली। जब उसकी मां ने ऐसी हालत में देखा तो लड़की के पिताजी को बुलाया। इसके बाद सरैया चौकी में सूचना दिया, जिसके बाद दो पुलिस वाले जाकर उस लड़की के हाथ पैर खुलवाते हैं। इसके बाद पुलिस चली गई। इस जघन्य अपराध को पुलिस संज्ञान में नहीं लिया, ना तो कोई कार्यवाही किया। माता पिता के कहने पर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। लोक लज्जा के भय के कारण 13 अक्टूबर की सुबह लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मीरा भारती का कहना है कि पुलिस की सही से कार्रवाई न करने पर मासूम बच्ची की जान चली गई। यूपी सरकार में बैठे हुए गुंडे लोगों के कारण पुलिस अपराधियों को बचाने का काम करती है। इस घटना पर सरदार सेना के पदाधिकारी पहुंचे और प्रशासन से बात करके लड़की का पोस्टमार्टम करा दिया। उसके घर पहुंचकर और प्रशासन से बात कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो इसकी मांग रखी। पीड़ित परिवार को आश्वासन देकर जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक सरदार सेना आपके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।